What is up guys, Abdul Rashid is here और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक चीप और बेस्ट गेमिंग पीसी के बारे में जिसकी ओवरऑल कॉस्ट है 16,000 रुपये। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आखिर तक। तो जैसे कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है गेमिंग पीसी का, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एक गेमिंग पीसी बिल्ड करें जो कि ओवरऑल कॉस्ट करे 16,000 रुपये। जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उस समय के रेट्स लिए हुए हैं, तो आप अपने सूझबूझ के अनुसार और दूसरी वेबसाइट ब्राउज करके तो अपना आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हम एक गेमिंग पीसी बनाने जा रहे हैं तो ये एक बेसिक कंप्यूटिंग टास्क के लिए है, ये कोई बहुत हाई गेमिंग पीसी नहीं है, ये एक 720 पिक्सल गेमिंग कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे गेमिंग के पार्ट्स, वो गेमिंग पीसी के पार्ट्स और लास्ट में उसके बेंचमार्क कि ये डेली रेगुलर टास्क कैसे परफॉर्म करता है और ये गेमिंग कैसे हैंडल कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। क्योंकि ये एक गेमिंग पीसी है, हम लोग इसमें ज़्यादा बड़ा स्टोरेज नहीं लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोग ने सबसे मिनिमम जो एक गेमिंग पीसी बनाने के लिए हार्ड डिस्क चाहिए होती है उसमें हम लोगों ने लिया है 1 TB की वेस्टर्न डिजिटल की। अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो इसकी कॉस्ट है लगभग 3,000 रुपये, जो कि मुझे लगता है कि एक नॉर्मल गेमिंग पीसी के लिए बहुत है। दूसरा पार्ट है केस और PSU। यहाँ पर केस और PSU के मामले में हम लोग ने इंटेक्स का कॉम्बो यूज़ करा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी एक बजट के हिसाब से बहुत कुछ ऑफर करता है। तो PSU और केस दोनों का कॉम्बो ओवरऑल मिलता है 1,000 रुपये का, जिसमें आपको 400 वाट का PSU और एक रिजिड क्वालिटी का केस मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन पार्ट जो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हम लोग ने यहाँ पर लिया है 6th जनरेशन का, जैसे कि हम आगे BIOS अपडेट करके 7th जनरेशन तक बना सकते हैं। इसमें मदरबोर्ड की कॉस्ट है 4,000 रुपये। अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो ये एटलीस्ट आपको 3800 से लेकर 4,000 के बीच बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। बस लेकिन आपको देखना यह है आप BIOS अपडेट कर सकते हो, नहीं तो आप सर्विस सेंटर पर जाकर BIOS भी अपडेट करा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके रैम के बारे में। क्योंकि ये एक बजट गेमिंग पीसी है, हम नहीं चाहते कि हम इसमें अल्ट्रा गेमिंग करें। आप इसमें अल्ट्रा गेमिंग तो बेशक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 1080p 720p गेमिंग विल कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटीज। तो ये सब देखते हुए मैंने 4GB की रैम चूज़ की है, 4GB 4GB DDR4 जो कि आपको कॉस्ट करेगी 2100 रुपीज़ में, बहुत कुछ ऑफर कर देता है। 2133 मेगाहर्ट्ज जो कि गेमिंग के लिए बहुत है। ये अब हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जो कि है प्रोसेसर। यहाँ पे हमने लिया है इंटेल पेंटियम G4560 जो कि i3-6100 के मुकाबले बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल टक्कर का बैठ। इसकी प्राइस i3 से लगभग हाफ है। हालांकि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप रुकेंगे या थोड़ा ऑनलाइन सर्च करेंगे तो शायद आपको ये 4600 से लेके 5000 के बीच आराम से मिल जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल कॉस्ट इसकी जोड़ें तो ओवरऑल कॉस्ट इसकी बैठती है 16,400 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें ग्राफिक्स कार्ड को इंक्लूड नहीं करा। इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो है इंटेल HD 6100 जो कि 720p US सेटिंग के लिए बहुत है। आप ग्राफिक कार्ड का वेट कर सकते हैं, या अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप 1030 या 1050 Ti जो बजट कार्ड हैं आपके बजट में बैठते हैं जिसके साथ परफेक्टली बैठेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में गेमिंग चेक करेंगे विदाउट ग्राफिक कार्ड, तो देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करता है, आइए चेक।